हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेवेस कार एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पर ट्रिपल ई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये यूनिट नंबर 4 से है। इससे पहले हम यूनिट नंबर 1, 2, 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। आज यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट है। आज इससे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आज करवा देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एंड एयर गैप इज यूजली इंस्टॉल्ड इन मैग्नेटिक सर्किट। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो रहा इंक्रीज ईएमएफ, इंक्रीज फ्लक्स या प्रिवेंट सेचुरेशन एंड नन ऑफ द एवर। जो एयर गैप होता है यूजली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट में कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट सेचुरेशन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परमेबिलिटी इन ए मैग्नेटिक सर्किट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रेसिस्टेंस, बी में बोल रहा है रेसिस्टिविटी, सी में बोल रहा है कंडक्टिविटी और डी में बोल रहा है कंडक्शन। परमेबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट, जो मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होता है वो कॉरिस्पॉन्डिंग मतलब किसके कॉरिस्पॉन्डिंग होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी या कंडक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन ए मैग्नेटिक मटेरियल्स हिस्टेरेसिस लॉसेस टेक प्लेस प्राइमली ड्यू टू। जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है वो टेक प्लेस परमेबिलिटी ड्यू टू किसके कारण होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन नंबर बोल रहा है रैपिड रिवर्सेबल ऑफ इट्स मैग्नेटाइजेशन, बीम बोल रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, सेम बोल रहा है मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन और डीम बोल रहा है इट्स हाई रेस्टेंटिविटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स हाई रेस्टेंटिविटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब धातु का वह गुण जो क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता हो, इन इट इज नोन है तो वह किससे जाना जाता है, रिलेक्टिविटी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या परमियंस या रिलैक्टेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, रिलैक्टेंस। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ हिज हिस्टेरेसिस लॉसेस इज ए मेजर ऑफ, जो हिस्टेरेसिस लॉसेस का एरिया जो लॉस होता एरिया है वो किससे मेजर किया जाता है, परमेबिलिटी से, परमेबिलिटी एंड परमियंस, एनर्जी लॉस पर साइकिल या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनर्जी लॉस पर साइकिल। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉसेस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव हाई रेसिस्टिविटी या लो हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट या लार्ज बीएच लूप एरिया या हाई रिटेंटिविटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लो हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, हेनरी वेबर या एम्पियर टर्न प्रति वेबर या एम्पियर मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबर। फिर बोल रहा है द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस इज, रिलेक्टेंस का यूनिट मीटर प्रति हेनरी, हेनरी प्रति मीटर या हेनरी या वन बाई हेनरी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द रिलेक्टेंस इज, रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल कौन है, रेसिस्टिविटी या परमियंस या परमेबिलिटी या सब्स्टिटिविटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमियंस। हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंडक्टिविटी ऑफ एनालोगियस टू रेटेंटिविटी या रेस्टिविटी या परमेबिलिटी या इंडक्टेंस। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी। कंडक्टेंस इज एनालोगियस टू परमियंस या रिलेक्टेंस या फ्लक्स या इंडक्टेंस। तो इसका हो जाएगा क्या, परमियंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाइल
कंपेयरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज कंपेयर्ड विथ बीच पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ईएमएफ या करंट डेंसिटी या कंडक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करंट। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी इज वेबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एम्पियर टर्न प्रति मीटर या एम्पियर टर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या वेबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स क्वालिटी जो मैं वेक्टर स्केलर या आयदर या नॉन। तो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 द बीएच कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन एयर सॉफ्ट हार्डन स्टील या सिलिकॉन स्टील। जो बीएच कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन किस में होता है तो वो एयर में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फॉर वन टेस्ला किसके इक्वल होता है 10^3 गॉस 10^4 गॉस 10^5 गॉस 10^6 गॉस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10^4 गॉस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस रिलक्टेंस का एसआई यूनिट एम्पियर टर्न प्रति मीटर एम्पियर टर्न या एम्पियर टर्न प्रति वेबर या न्यूटन प्रति वेबर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज हेनरी प्रति मीटर या हेनरी या फ्रॉड प्रति मीटर या फ्रॉड। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज हेनरी प्रति मीटर हेनरी या फ्रॉड प्रति मीटर या यूनिट लेस। तो इसका हो जाएगा क्या यूनिट लेस। जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो यूनिट लेस होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 वो रहा है द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर या 12.56 × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर या बोथ या नॉन। तो इसका हो जाएगा क्या बोथ। जो वैक्यूम परमेबिलिटी होता है वो इस दोनों का इक्वल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिलेटिव परमेबिलिटी इज गिवन बाय μ0 × μ0 y μ0 दोनों ऑप्शन एक ही लिखा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या μ × μ0। ऐसे दोनों सही है। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वैलिड है। पहला बोल रहा है क्या लेंज लॉ इज ए कंज्यूम्स ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट है कि लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। थर्ड में बोल रहा है लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस। फोर्थ में बोल रहा है लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए में वो वैलिड है कि लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंड यूजिंग लेंज लॉ। लेंज लॉ किस स्टेटमेंट को फाउंड किए थे इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ द डायरेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव करंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 द लॉ बीच स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्किट इज सच दैट इट अपोज द काउज और द चेंज बीच प्रोड्यूस इट इज फ्राड लॉ लेंज लॉ या मैक्सवेल लॉ या एम्पियर लॉ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेंज लॉ। और द लॉ बीच स्टेट द डैट मतलब किस नियम के तहत यह कथन है कि जिस डायरेक्शन में करंट उत्पन्न होता है उसी का वह विरोध करता है। तो यह हमारे लेंज लॉ में यह स्टेटमेंट को पढ़ना। नेक्स्ट नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्राडे लॉ और रिजल्ट ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ बीच क्वांटिटी।
मोमेंटम, एनर्जी, चार्ज या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी। नेक्स्ट नंबर पर है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डिटरमाइंड बाय। जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस ईएमएफ का किसे डिटरमाइंड किया जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्राडे लॉ या राइट हैंड थंबल। इसका हो जाएगा क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द थंब पॉइंट टूवर्ड्स करेंट ईएमएफ या मोशन ऑफ द कंडक्टर या मैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड बोल रहा है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के तहत जो थंब होता है वो किसका दिशा निर्धारित करता है, करेंट ईएमएफ या मोशन ऑफ द कंडक्टर या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 वर है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द थंब पॉइंट टूवर्ड्स करेंट ईएमएफ मोशन ऑफ द कंडक्टर या मैग्नेटिक। तो पिछले बार वाला ही क्वेश्चन आ गया मोशन ऑफ, जैसे कि यही वाला था मोशन ऑफ द कंडक्टर हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मिडिल फिंगर पॉइंट टूवर्ड्स, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम में मिडिल फिंगर किसको दर्शाता है, करेंट ईएमएफ को या मोशन ऑफ द कंडक्टर या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इसका हो जाएगा ईएमएफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन ईएमएफ इज इंड्यूस ए कंडक्टर व्हेनेवर। ऑप्शन नंबर में बोल रहा है द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स या मूव पैरेलल द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका हो जाएगा कट्स मैग्नेटिक लाइंस द फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इज इंड्यूस कंडक्टर व्हेनेवर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ड्स मैग्नेटिक लाइन्स फील्ड। तो हमारा आज का इतना तक ही, 13 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।